जय श्री राम गाइस। तो इस बार ले आए आईफोन एक्स में नए वाले BGMI का टेस्ट। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली। आईफोन एक्स की सेटिंग्स जान लेते हैं। जिनको डायरेक्टली BGMI टेस्ट देखना वो टाइम स्टैम्प पे जाके BGMI टेस्ट वाले पे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से परफॉर्मेंस टेस्ट देख लें। बाकी सेटिंग की बात की जाए तो IU 16.5 पे लेटेस्ट है सबसे। और बैटरी की बात की जाए, बैटरी हेल्थ की तो सर्विस में से शो करती है। करेक्ट बैटरी हेल्थ की बात की जाए तो वहाँ पर वो शो नहीं करता। ये आप लोग को इशू अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन कैशिफाई का एक वीडियो है, वो देख सकते हैं। शुरू करते हैं BGMI, देखते हैं कितनी देर में BGMI ओपन होता है। पहले 21 सेकेंड्स नियर अबाउट लेता था, अब देखते हैं कितनी देर लेता है। गाइस अभी हम एक चैनल पे गिव अवे करने वाले, जब रॉयल पास अनलॉक हो जाएगा तो रॉयल पास का गिव अवे करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिस के लिए वेट करिएगा जल्द से जल्द। तो गेम तो इस बार 29 सेकेंड्स ले लेता है, वैसे तो पुराने BGMI में 21 सेकेंड्स लेता था। इसको करते हैं फुल ब्राइटनेस और बैटरी जो है इस टाइम 83 है। बाकी टेस्ट करने से पहले हम लोग ग्राफिक्स भी चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम ग्राफिक्स स्मूथ एक्सट्रीम मिलते हैं, बैलेंस HD और HDR पे आप लोग को तो पता ही होगा अल्ट्रा ऑप्शन रहता है। तो हम लोग टेस्ट करेंगे स्मूथ एक्सट्रीम पे। पहले हम लोग एक TDM टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद तुरंत ही एरेंगल का भी टेस्ट करेंगे। देखते हैं दोनों में कैसी परफॉर्मेंस मिलती लगातार गेम खेलने वाले हैं। तो अभी तो खैर TDM में काफ़ी स्विफ्टनेस है, काफ़ी स्मूथनेस है, कोई परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं देखने को मिला था मेरे को। आईफोन एक्स में आप लोग को A11 बायनिक चिप मिल जाती है जो कि 2017 का प्रोसेसर है एक तरह से। तो प्रोसेसर तो खैर काफ़ी पुराना है, बट फिर भी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस अभी भी 60 FPS इसकी बहुत बढ़िया रहती है। जो इसकी स्मूथनेस रहती है मतलब दूसरे 60 FPS वाले डिवाइस भी इसको मैच नहीं कर पाते हैं। थोड़ा फ़र्क ये भी रहता है कि आईफोन है, आईफोन की स्मूथनेस अलग रहती है, इस वजह से भी फ़र्क रहता है। बाकी परफॉर्मेंस में आप लोग को ऐसे तो ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, मेन ड्रॉप तब देखने को मिलेगा। अभी आप लोग को आगे एरेंगल टेस्ट में भी दिखाएंगे जब डिवाइस थोड़ा हीट हो जाएगा, अभी तो नॉर्मली टेम्परेचर पर चल रहा है। गेम की स्टार्टिंग हम लोग ने TDM से करी, इसमें तो मेरे को कोई भी एक भी FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला। कॉन्सेंट 60 चलता रहा लगातार, बिल्कुल भी FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, जो इसका रिएक्शन टाइम है, स्मूथनेस है, सब बहुत ही बढ़िया है। मेन जो चीज़ है वो आप लोग को एरेंगल के टेस्ट में दिखेगी। अभी मैं एरेंगल का टेस्ट जो करूँगा उसमें आप लोग नोटिस करिएगा आप लोग को कहाँ पर क्या चीज़ लैग दिखता है फिर नहीं दिखता है, वो मैं आप लोग को भी बता दूंगा आगे और क्लियर से। आप लोग जैसे अगर TDM में 1v1 किसी से करेंगे भी तो आप लोग को 1% का FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। 1v1 फाइट में तो बिल्कुल ही स्मूथ चलता है, कांस्टेंट रहता है बिल्कुल FPS, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप लोग सेकेंड हैंड खरीदते भी इसको तो कंडीशन थोड़ा देख के खरीदिए, बाकी परफॉर्मेंस तो आप लोग को मिल जाएगी, बस ये है कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो गाइस ये हो गया TDM का टेस्ट बिना लैग के साथ। अब इसके बाद TDM तो खत्म हो गया, अब इसके बाद एरेंगल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एरेंगल में कैसी परफॉर्मेंस रहती है, जंप करते टाइम फिर कैसे टाइम पर फाइट के टाइम पर कैसी परफॉर्मेंस रहती है। यहाँ पर मैंने जंप करा, मेरे को बिल्कुल भी FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला, गेम फुल्ली स्मूथ चलता रहा जंप करते टाइम भी। अभी तो खैर मेरे को कोई ऊपर स्क्वाड नहीं दिख रही है, बट फिर भी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल कॉन्स्टेंट वैसे 60 FPS वाली है। बाकी इसके बाद बीच फाइट में भी देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। खैर बंदे तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, बट इसके बाद अभी दूसरे मैच में भी चेक करेंगे। अब भाई यहाँ से एरेंगल की फ़ाइट थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है, तो फाइट दिखाते रहते हैं आप लोग को। बाकी अभी फ़ोन पीछे बैक साइड पर थोड़ा बहुत हीट हो गया है, और गाइस अभी AC चल रहा है 24 पे तो रूम उतना ज़्यादा हीट भी नहीं है, बट फ़ोन थोड़ा बहुत हीट लग रहा है पीछे से। बट परफॉर्मेंस में अभी भी कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिले, गेम फुल स्मूथ चल रहा है, कोई भी FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला, एक भी FPS ड्रॉप मतलब 59 भी नहीं हुआ होगा मेरे को लगा। गाइस यहाँ पर अब जब मैं फाइट लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे को मतलब 1 सेकेंड का स्क्रीन पॉज टाइप का लगता है, आप लोग को नोटिस हुआ नहीं हुआ यहाँ पर आप लोग बताइएगा। मेरे को यहाँ पर मतलब थोड़ा FPS ड्रॉप टाइप का लगा, बाकी अब आगे फिर से टेस्ट करते रहते हैं लगातार, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। उस टाइम पे तो मेरे को थोड़ा FPS ड्रॉप दिखा, बट इस टाइम पे मतलब अभी तो फिर वापस से नॉर्मल 60 चल रहा है, मेरे को कोई FPS ड्रॉप वापस से नहीं लग रहा अभी तो। खैर यहाँ पर इस अपार्टमेंट एरिया में कोई भी ज़्यादा स्क्वाड नहीं है, बस कुछ ही बंदे हैं, तो उनके फाइट के बीच में कोई FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। आगे भी यहाँ पर दो स्क्वाड आ जाती हैं, एक गाड़ी से जा चुकी है और एक गाड़ी से आई है अभी। तो यहाँ पर अभी स्क्वाड्स तो दो हैं खैर, बट फिर भी मेरे को कोई FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला। फ़ोन थोड़ा बहुत हीट है बट फिर भी कोई लैग नहीं देखने को मिल रहा है, तो हीट को मतलब मेंटेन कर ले रहा है आईफोन एक्स। बाकी परफॉर्मेंस वैसे की वैसे ही है, स्प्रे भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये जो रिकॉर्डिंग मैंने करी थी टोटल 23 मिनट का मैच चला था, 23 से ज़्यादा ही चला था, बीच बीच में मैंने पॉज करा था, बट फिर भी मेरे को इस मैच में कोई भी FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला। गेम प्ले बहुत ही स्मूथली चलता रहा, कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। बस एक जो स्कूल अपार्टमेंट आप लोग को बताया था कि स्क्रीन पॉज लगी थी वहाँ पर ही बस एक लैग देखने को मिला, बाकी मेरे को पूरे मैच में कहीं भी लैग देखने को नहीं मिला। गाइस टोटल गेमिंग करते करते टाइम हो चुका है करीब 40-50 मिनट हो गए गेम खेलते खेलते। फ़ोन थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, बैक साइड पर लग रहा है हीटिंग, बट फिर भी कोई FPS ड्रॉप देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। ये एरेंगल ख़त्म हो जाता है, टोटल टाइम मान लीजिए एरेंगल का 35 मिनट मान लीजिए, बाकी थोड़ा TDM और गेम प्ले, बाकी दूसरा एरेंगल स्टार्ट करा। यहाँ पर जंप करते हैं तो हल्का सा मेरे को FPS ड्रॉप देखने को मिला, यहाँ पर बंदे काफ़ी जंप कर रहे हैं,
यहाँ पर बस जंप करते टाइम ही FPS ड्रॉप हुआ, बट बाकी वापस से नॉर्मल पे आ गया था, वापस 60 FPS चलने लगा। यहाँ पर जब पैराशूट ओपन होता है तो हल्का सा जिटर लगता है मेरे को, थोड़ा सा मतलब FPS ड्रॉप होता है। काफ़ी स्क्वाड्स आ रही थी, कम से कम 4-5 स्क्वाड आ रही हैं स्कूल अपार्टमेंट एरिया में, तो थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लूटते हैं तो उस टाइम पर भी मेरे को काफ़ी लैग देखने को मिलता है। आप लोग नोटिस कर पाए फिर नहीं कर पाए आप लोग बताइए कमेंट में। और जहाँ पर आप लोगों ने लैग देखा तो वो टाइम स्टैम्प भी आप लोग अगर बता पाएँ तो बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ से आप लोग को थोड़ा थोड़ा लैग देखने को समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग नोटिस करना शुरू करिए, यहाँ से आप लोग यहाँ पर लैग को नोटिस करिएगा। और बाकी अगर आपके फ्रेंड या फैमिली में कोई iPhone X ख़रीदना चाह रहा है, सोच रहा है iPhone X ख़रीदने को BGMI के लिए, गेमिंग के लिए, तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। यहाँ पर मैंने बिना फाइट वाला सीन इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर बंदे ज़्यादा उतरे थे और लैग भी हो रहा था काफ़ी, तो इस वजह से सिर्फ लैग आप लोग को दिखाने के लिए कि iPhone X में भी लैग हो जा रहा है। गाइज़ मेन बात की जाए तो iPhone X में आप लोग को लैग तभी देखने को मिलेगा जहाँ पर अगर ज़्यादा बंदे जंप कर गए तो ही आप लोग को लैग देखने को मिलेगा। फ़ोन उतना हीट भी नहीं, क्योंकि AC वाले रूम में खेल रहे हैं तो ज़्यादा डिवाइस हीट तो नहीं हुआ है, बट फिर भी थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल जा रहा है। अभी तो वापस नॉर्मल 60 चल रहा है, बट उस टाइम पर जहाँ पर दिखाया था वहाँ पर लैग देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप मेरे को लगा, जैसे 58-55 तक का FPS ड्रॉप गए होंगे, बट वापस से थोड़ी देर में ये नॉर्मल 60 आ जाता है, बट लैग फिर भी रहता है थोड़ा बहुत।